this program is brought to you by world wireless broadband future in your hand world call, an omen tell company this is business plus and you're watching the market show i'm your host tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट पे जो टैक्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से है ट्रैप इस प्रोजेक्ट का मकसद वर्ल्ड बैंक का ये था कि पाकिस्तान में टैक्स की जो है कलेक्शन है इसको इम्प्रूव की जाए लेकिन आ, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो अभी लेटेस्ट असमेंट आई है कि कोई खास खा, टैक्स कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ और इनफैक्ट टैक्स कलेक्शन जो एज ए परसेंटेज ऑफ जी डी पी गिरते गिरते एट पॉइंट सिक्स परसेंट पर आ गई है जो कि चालीस साल के पीरियड में पाकिस्तान में लोएस्ट है और दुनिया की भी लोएस्ट फिगर्स में आता है ये टैक्स की कलेक्शन क्यों नहीं इम्प्रूव हो कर पाई उसकी जो वर्ल्ड बैंक ने कुछ रीजन बताई हैं उसमें नंबर वन उन्होंने बताया कि इन एफिशेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन नंबर टू नैरो एंड स्क्यूड टैक्स स्ट्रक्चर नंबर थ्री कॉम्प्लेक्स एंड एप्सलेट लेजिस्लेशन uh, फिर नॉन ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम रेंट सीकिंग बिहेवियर एंड रैम्प एंड टैक्स एविजन ये छः सात फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बजाय कम हो गई है और अब लोएस्ट नंबर पे आ गई है एवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में 35-40 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी कम टैक्स टू जी uh, डी रेशो नहीं रही इतनी लो टैक्स कलेक्शन की क्या वजूहत हैं इस पर बात करने के लिए हमने दावा दी है शब्बर जैदी साहब को जो लीडिंग टैक्स एक्सपर्ट माने जाते हैं पाकिस्तान के शब्बर जैदी साहब वेलकम टू तो द शो आ, आप तो खुद भी गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहते हैं और आप इन्वॉल्व भी हैं काफ़ी कमेटीज़ में तो हाउ यू सी दिस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देखिए जो बात आई कह रहा है उनके फैक्ट्स ठीक है वो बात अपने उनके वो भी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कि हमारा टैक्स जी डी पी रेशो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है और जो रेशो आज आ, हम इस पर पहुँच चुके हैं वो तकरीबन तो वन ऑफ द लोएस्ट इन डेवलपिंग वर्ल्ड है और वन ऑफ द लोएस्ट इन पाकिस्तान है आ, मगर जो डायग्नोस्टिक उन्होंने उसकी की है आ, वो भी बाय लार्ज अगर आप देखें तो ठीक है आ, उस डायग्नोस्टिक में मगर कुछ आ, मेरा ये कहना है कि ये जो बातें वर्ल्ड बैंक कर रहा है ये यही बातें उन्होंने पाकिस्तान में आ, हर दफ़ा की हैं और जब भी वो आते हैं वो यही बात कहते हैं और जो आ, अगर किसी भी आदमी को अगर आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को बाहर से बैठकर पढ़ने के लिए दे, दे देंगे और बाहर से बैठ स्टडी करने के लिए दे, दे देंगे तो उसका यही रिजल्ट निकालेगा मैं जब बात कह रहा हूँ जब बाहर से बैठ के पढ़ने का मतलब ये है कि एक तो है इसकी एकेडमिक और थ्योरेटिकल वजह और एक इसकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मेरा ये व्यू है कि जो वर्ल्ड बैंक का जो जो रिपोर्ट होती हैं वर्ल्ड बैंक के जो पोजीशंस होती हैं वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझती और दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि हर मुल्क की इकोनॉमिक्स की डायनेमिक्स अलग होती है मगर जिस जिस नहज पे हम आज पहुंच चुके हैं जिस टैक्स के जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं वो एक बहुत कंसल्टेड हमारा कंसल्टेड हमारी उसे के गलतियां हैं मुस्तकिल गलतियां हैं और वो गलतियां अब इस अब उनका गलतियों का

अगर आप इसी मैं कहता हूँ फरसूदा सी एस एस के निज़ाम के तहत टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहेंगे तो वो चल नहीं सकती पहली बात तो ये जब हम इनफिशेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं तो उसका हमारा मकसद हम इस जो इस वर्ल्ड बैंक बार बार कह रहा है इसका मकसद क्या है वो क्या कहना चाहता है क्या आप पाकिस्तान में सिविल सर्विस की बुनियादी रिफॉर्म के बगैर सिविल सर्विस की बुनियादी रिफॉर्म के बगैर पाकिस्तान में टैक्स की सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त कर सकते हैं नहीं।, नहीं तो सबसे पहली बात है कि जो उनका पहला डायग्नोसिस है, है ये सिर्फ एक सरसरी बात है और ये जुमला वो बहुत बड़ी जुमला वो बार बार लिख देंगे और वो जुमला एक गलत आ, बात होगी अच्छा, आपने कहा कि सी एस एस करके एक आदमी आता है वो हो सकता है उसने लॉ पढ़ा हो सकता है उसने कुछ भी हो

जो हमें जो हमें गोरे छोड़ के गए थे उन्नीस में उसको हमने डिलीजेंटली अडॉप्ट किया अच्छा गोरे ने अपने मुल्क में तब्दील कर दिया अच्छा अब वहाँ इस तरह से नहीं होता इस तरह नहीं होता उसने अपने मुल्क में वो स्पेशल स्पेशलाइजेशन ले आए अपने मुल्क में वो प्रॉपर ऑडिट ले आए अपने मुल्क में उन्होंने बुलाए उन्होंने ये सिस्टम जो आज जिसको हम डिलीजेंटली कॉपी कर रहे हैं ग्रेड इक्कीस ग्रेड बाईस ग्रेड तेईस ग्रेड ग्रेड ये उन्नीस बाईस नायब खासद खासद ये सब उन्होंने हमें गुलाम रखने के लिए एक तरकीब बनाई थी एक सिस्टम बनाया था उसको हमने डिलीजेंटली अप्रूव किया तो मैं इस पहली बात को मुख्तर यहाँ ख़त्म करूँगा कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म मुमकिन नहीं है जब तक आप इसको मैंने एक दो पहले भी कहा था मैंने एक को पहले कहा था मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस बनानी पड़ेगी और मैं आपको फिर इसकी मिसाल देता हूँ इसकी जो रिक्रूटमेंट हो एक अलग ही सिस्टम ने कम से कम सी हो कम आ, से कम मैंने एक पहले कहा था कि पाकिस्तान में दो इदारे हैं एफ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या एक और इधारा ले लें एस सी बहुत कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है देखिए अगर आप पाकिस्तान के मजमूरी हालात में देखें उनकी कारी उनका सिस्टम उनके एम्प्लाई का तरीका काम करने का मुख्तलफ है एफ बी आर से इसलिए मुख्तलफ है कि वो एक ऑटोनस बॉडी है उनकी एच आर पॉलिसी वो नहीं है जो जो हमारे एफ बी आर में है तो ये जो इन एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात है ये एक आ, गलत फहमी है उनके आई एम एफ के और उनको ये बात समझ नहीं आ रही क्योंकि ये रिपोर्ट जो उन्होंने आप सामने पड़ी है ये उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट को दिखा के लिखी है मी <laughs> एडम ये, ये 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 भी वही जबान बोल रहे हैं जो जबान हमारे इस्लाहबाद में बोली जाती है तो ये पाकिस्तान की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कभी सही नहीं हो सकती जब तक आप इसको ब्यूरोसी से डाइवोर्स नहीं करेंगे सिंपल सिंपल है पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस आपको लानी पड़ेगी और पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस मैंने एक दिन आपको एक और बात भी कही थी आपके प्रोग्राम में ही कही थी कि सिंगापुर का जो सिंगापुर की टैक्स अथॉरिटी का जो चीफ है उसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है ए, ए, ए मल्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव से जो सिंगापुर में काम कर रहे हैं मतलब तो ही इज़ वन ऑफ द हाईस्ट पेड एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंगापुर जो सिंगापुर की टैक्स चला रहा है आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं या तो पावर के लिए या बेईमानी के लिए या किसी के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए चेयरमैन एफ बी आर बन जाऊं यही कह रहे हैं ना तनख्वाह तो है तनख्वाह तो है नहीं ठीक है आप किस लिए बनेंगे इसीलिए या तो आप किसी की पावर को सपोर्ट करने के लिए बन जाएंगे या या आप किसी या आप पैसे कमाने के लिए बन जाएंगे या अपनी कोई हैसियत लेने के लिए बन जाएंगे तो साहब मुझे नवाज शरीफ के दौर की एक बात याद आती है कि जब वो पावर में आए तो उन्होंने एक किसी बाहर से किसी बैंकर को मोइन खान, खान को लेकर आए उनकी तनख्वाह शायद उस जमाने में दस लाख दी एक हंगामा हो गया यहाँ दस लाख रुपये जबकि जाहिर बैराट्स को तो बहुत कम पैसे मिलते थे उस जमाने में लाख रुपए भी नहीं थी आम तनख्वाह

अगर आपको याद है मुझे उनकी डेथ का वाक्य भी हो हाँ। ही, ही सर्विस।, 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 सर्विस तो अब आप मुझे जो बात नवाश्री को समझ नहीं आती और लोगों को समझ नहीं आती कि ब्यूरोक्रेसी का टॉप पे बंदा बाहर से बैठा देने से तब्दीली नहीं आती आपको वापस बोल रहा मैं फिर आपको वापस आ रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या एस सी सी पी वो आज कंपेरिटिवली बेहतर है मैं आपको फिर कह रहा हूं कंपेरेटिवली बेहतर है क्यों बेटोनॉमस ऑटोनोमस बॉडी है ठीक है तो ये बात अगर एफ बी आर में आप ये नहीं करेंगे तो ये आप तो ये जो बात कर रहे हैं ये, ये, चले एक ये गया। रहे, जो एक हो इसके लिए बहुत बड़ी गलत बात है ठीक है दूसरी बात आप आ जाए ऑफिसलीट लेजिस्लेशन आपने देखा उसमें लिखा लेजिस्लेशन ऑफ्सिलीट रेजिस्लेशन जो है ये भी बात टेक्निकली गलत है वो आज के जो पाकिस्तान के जितने भी लॉज हैं टैक्सीन के ये सारे लॉज वो हैं

अमल दरामद से भी नहीं हो रहा तो कानून होने से अमल दरामद का ताल्लुक नहीं है ऑफसरीड लेजिस्लेशन रुकावट नहीं है अगर मैं ऑफिस में एक और बात कहता हूँ रुकावट नहीं है मगर ऑफसरीड लेजिस्लेशन के साथ हमने ए, हमने जो मैं फिर कहूँगा जान के सोच समझ के जो हमने खिड़कियां खोली हुई हैं उस लेजिस्लेशन में किसी बंदे ने नहीं खोली कुछ लोगों ने खोली है वो हमारा वो उसकी वजह से आज हमारे प्रॉब्लम है जैसे

टैक्सेशन दुनिया के किसी मुल्क में आज पाकिस्तान में जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं जो 8.6 पॉइंट सिक्स उन्होंने लिखा है जो भी लिखा है ये इसका नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है पे ब्रेक लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं This program is brought to you by Worldcall Wireless Broadband. Future in your hand. Worldcall, an Omantel company. This program is brought to you by Worldcall Wireless Broadband. Future in your hand. Worldcall, an Omantel company. नज वेलकम बैक हम बात कर रहे हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म प्रोजेक्ट जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक की एक कंक्लूडिंग रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेव कंसर्न शो किए गए हैं कि पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी डी रेशो गिरते गिरते 8.6 पॉइंट सिक्स परसेंट पर पहुँच गई है जो कि न सिर्फ दुनिया में लोएस्ट है बल्कि साथ साथ पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री में पैंतीस चालीस साल के अंदर इतना कम रेशो नहीं रहा इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की गई आईटी टी और इसके नतीजे में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में आई है इन टर्म्स ऑफ जो ई फाइलिंग का जो सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी उस साइड पे टेक्नोलॉजिकल साइड पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो हमारी बहुत ज़्यादा कम है और उसके छः उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं जिसपे हम बात कर करें शबर जैदी साहब से लीडिंग टैक्स एक्सपर्ट अब तक हमने दो तीन पॉइंट को कवर किया है जिसमें नंबर वन जो उन्होंने बताया है इनफिशेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस इसमें जैदी साहब ने कहा कि इसकी जो मेन प्रॉब्लम है कि जो सी के ज़रिए से जो लोग आके बैठते हैं बिहार में वो उनको पता ही नहीं कि ये कितना मुश्किल स्पेशलाइज काम है और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा जब तक पाकिस्तान टैक्स रेवन्यू का एक अलग निज़ाम नहीं बनता एक नया सिस्टम नहीं बनता रिक्रूटमेंट का ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हो सकती एक और बात पे बात हुई अब तक कॉम्प्लेक्स एंड एप्सलेट लेजिस्लेशन पे उस पर जैदी साहब का कहना था कि ये बात uh, ज़्यादा सही नहीं है हमारे टैक्स लॉज काफ़ी अप uh, टू डेट है मगर उसके अंदर कुछ जो लूप होल्स है फ़ॉर एक्सचेंज के सिलसिले में और एग्जामेशन के सिलसिले में उसको बंद करने की ज़रूरत है तीसरे टॉपिक पर जो हमने बात की अब तक वो है नैरो एंड स्क्यूट टैक्स कलेक्शन उसी पर अभी बात जारी थी कि ये क्या मतलब है कि क्यों हमारा टैक्स कलेक्शन का बेस इतना पतला नैरो क्यों है और उसके क्या वजूहत है देखिए मैं एक आपने बात शुरू की मैं दोबारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको कहना चाहता हूँ कि आ, एंड ये कह रहे हैं आप टैक्स का टैक्स टू जीडीपी रेशो कम हुआ मेरे हिसाब से मैं एक बात कहूँगा कि सही कम हुआ इसकी वजह क्या है देखिए जीडीपी जो है हमारा उस जीडीपी में कंपोनेंट देखें क्या हुआ और आपने का जिक्र किया कि 2002 से 2002 2004 चार से लेकर 2008 तक इम्प्रूव हुआ हमारे जीडीपी का मेन कंपोनेंट क्या हुआ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ठीक यही मेन और सर्विसेज जब एग्रीकल्चर कुछ टैक्स नहीं दे रहा एक्सपोर्ट हैं बिकॉज ऑफ द लॉ तो जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स तो टैक्स कम होगा ना जी तो वो जो कह रहे हैं वो बात तो गलत नहीं है रियलिटी तो है ना अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी मैं मैं बात कर रहा हूँ टाइम में अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो उसमें टैक्स जब नहीं आ रहा तो जीडीपी तो बढ़ेगा और टैक्स नहीं बढ़ेगा तो टैक्स तो सेम रहेगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जीडीपी और टैक्स टैक्स तो उसमें नहीं आएगा तो टैक्स जी डी तो कम होगा जब आप कह रहे हैं मुशरफ के जमाने में बढ़ा कि मुशरफ के जमाने की इकोनॉमी थी इम्पोर्ट बेस्ड दे वर स्ट्रेसिंग ऑन दी और ओरिएंटेड मार्केट टेटरिज्म उस पर एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स आता तो है तो मैं नहीं उस नहीं मैं उस थ्योरी से एग्री नहीं करता कि कोई सिस्टम में अच्छाई आई थी जो खराबी में कन्वर्ट हो गई ये ये गलत परसेप्शन है अब कम बात ये आ गई कि पहली बात कि हम टैक्स किस तरह ले रहे हैं और कौन दे रहा है हमारा सारा टैक्स का निजाम बेस करता है फेडरल गवर्नमेंट मैं कह रहा था नाइन ना, 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 तो, ना, और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो है अच्छा ये सिंध में जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड बना है पंजाब में बन गया तो इससे पहले कोई में प्रोविंस टैक्स का सिस्टम देखिए जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है

तारिक साहब बड़ी सिंपल बात है हम इकतदार के तमाम मंबों को इस्लामाबाद में रखना चाहते हैं ये हमारा साथ, साथ बात कर रहे होते हाँ ये हमारा हमारी सोच है ये हमारी सोच है कि इकतदार का तमाम मंबा एक शख्सियत या एक जगह पर मौजूद है हम डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सिस के लिए तैयार नहीं है मुशरफ साहब डेवोल्यूशन ऑफ पावर लाए और टोटली totally फेल हो गई बिकॉज डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियज नहीं थे बिल्कुल सही बात देखिए आज इंडिया में प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट को पैसे देते हैं नॉट वे राउंड <laughs> और ये फेडरेशन पाकिस्तान की आज अगर आपको चलानी है तो आपको भी इसकी फाइनेंशियल मैकेनिज्म को डिवॉल्व करना पड़ेगा डिवॉल्व इन अ सीरियस मैनर मैं आज आपको बिल्कुल तीसरा जो टैक्स का टैक्स का निजाम अगर आपने इसी तरह चलाया तो ये डिस्पेरिटी और ये डिस इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे ये सब उसी का नतीजा है जो आज आ रहा है तो आपको डिवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल इकोनॉमी करनी पड़ेगी जो कि आप नहीं करना चाहते चाहते ठीक हाँ। है वो आप उसकी रीजन है वो खैर मैं उसके बाद में आऊंगा अब जब आप पहली बात तो ये अब आप ये तो आ गया लेने वाले के बाद कौन ले रहा है अब देने वाले के यहां तक सवाल है आपने पाकिस्तान में कहा कि एग्रीकल्चर वाला टैक्स नहीं देगा टी वाला टैक्स नहीं देगा ट्रेडर टैक्स नहीं देगा टेक्सटाइल वाला टैक्स नहीं देगा तो पाकिस्तान के बुनियाद ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं देगा डॉक्टर टैक्स <that> नहीं देगा होटल रेस्टोरेंट टैक्स नहीं देगा तो सारा का सारा टैक्स तो वो दे रहा है जो एक बड़ी फैक्ट्री चला रहा है और वो फैक्ट्री वो चला रहा है जो आपकी नजर में जो नजर आती है जो फैक्ट्री नजर नहीं आ रही वो वो भी नहीं दे रहा तो अब इस निजाम के साथ टैक्स का सिस्टम नहीं चल सकता मैंने आपके यहाँ एक दवा एक और बात भी कही थी कि टैक्सेशन जो है वो इन वो एसिड से इनकम होती है पहले आप एसेट का रिकॉर्ड निकालेंगे तो टैक्सेशन का रिकॉर्ड बनेगा पाकिस्तान में आपने चोरी चकारी बेईमानी करप्शन के लिए एक निज़ाम के तहत आज नहीं सैतालीस से, से लेकर आज तक एक कंसर्टेड एफर्ट के तहत आपने एसिड का रिकॉर्ड पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया है आज मैं आपसे पूछूं कि कराची में ये एसेट्स लोकेटेड हैं ये घर ये मकान ये गाड़ियां ये फैक्ट्रियां किसकी है? हैं है आप चले जाए किसी और मुल्क में आपको बताएगी इकोनॉमी कि एक, एक एक, किसकी है एक बटन किसकी है, है? हाँ। पाकिस्तान में किस एसेट का नहीं पता किसकी है तो आज आप नोट करें कि जितने भी मैटर्स पाकिस्तान में रेज हो रहे हैं बहस हो रही है शोक खानम की डोनेशन से लेकर स्विच तक सब मैटर टैक्स के हैं और सब मैटर फाइनेंस के हैं और किसी को यह नहीं पता कि एसिड किसके हैं कौ, कौन लाया है क्या कहां से क्रिएट हो रहे हैं और कैसे खत्म कैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो, तो, हाँ है। तो आप जब तक एसिड रिकॉर्ड नहीं रखेंगे टेक्स्टेशन का रिकॉर्ड नहीं हो सकता तीसरी जिस, बात जो बहुत अहम तारिक साहब आपने ये एक अच्छा पेपर आपके सामने रखा है मगर अफसोस इस बात पर है कि ये एक बाहर वाला हमें बता रहा है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बताएं कि हम हमने पिछले 20 साल में या 30 साल में या आज पाकिस्तान के किसी इदारे ने किसी थिंक टैंक ने किसी फोरम ने पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर कोई रीजनेबल स्टडी की? नहीं। नहीं की तो आप मुझे बताएं एक बाहर वाला आके आपको बता कैसे बता सकता है जो टैक्सेशन का नोट होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आप जो इकोनॉमिक सर्वे निकलता ना इकोनॉमिक सर्वे और स्टेट बैंक की रिपोर्ट होती है

जो सैलरीड क्लास और आपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट का बताया यही दो लोग टैक्स दे रहे हैं तो अब ये पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है अब लोगों को काफी अवेयरनेस होगी इस तरह के टॉक सुन के जो टॉक शोज में बातें हो रही हैं और ये सब ये भी आ, amateur, है। और आ, ये भी आ, कोई कोई आदमी इवन मैं पोलिटिकल पार्टी को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दे क्या आप मुझे बताएं मीडिया ने कभी टैक्स के निजाम के ऊपर किसी को हिट करने की कोशिश की आपने लोगों के बहुत से लोगों के सियासी कैरियर सियासी तबाह और बात कर दिए कभी किसी टैक्स चोर के बारे में कोई प्रोग्राम किया आपने कभी आपने बताया इस मुल्क के अंदर किसी मीडिया ने खोल के कि ये देता है और वो देता वो सिर्फ सियासतदानों को हाँ, कभी आपने पराठों प्र, दिखा दी और कहा कि साहब देखे ये नहीं दे रहे बट एक रीजनेबल रिसर्च आपने कभी की रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ हम तो थोड़ा बहुत बात भी कर रहे हैं पर क्या आपकी प्रायोरिटी वो थी वो भी सिर्फ तो इसका मतलब है कि माशरे की प्रायोरिटी नहीं है ये बात आप बार बार कहते हाँ, हैं दिस इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ ये is not the priority of this तो ये जो छोटी छोटी बातों आपसे दिखा दी एक पराडो में बंदा एम एन ए उतर रहा है असेंबली में दाखिल हो रहा है आपने कहा देखे पर देता ये है वो एक वो भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो भी किसी को टारगेट करके हाँ, करके हालांकि पूरा क्लास क्लास ही, ही। हाँ, नहीं, क्लास है नहीं और वो आ, आपको ये ये भी देखना चाहिए कि क्या क्या आप टैक्स ले पा रहे हैं स्ट्रीट से जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम की मलिया वो वो सारे फैक्टर्स है तो हमारा जो हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो इस पर गलत है और हम ये नहीं चाहते तो टैक्स नैरो टैक्स बेस की जो बात आपने की वो ये है दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान की अब गवर्नमेंट हैं जो आज गवर्नमेंट्स हैं

कहीं पे एग्रीकल्चरिस्ट खड़े होंगे कहीं पे दुकानदार खड़े होंगे कहीं पे तो वो वो उनके वो अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट जो आज पॉलिटिकल सपोर्ट वो लेके बैठे हैं तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको वो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको डिमांड करेगी कि जब जब आप पावर में आए तो आपको एक्शन एक्शन नहीं, नहीं ले जो लोग आज तब्दीली की बात करते थे इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जब वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को ले आए और कुछ ऐसे लोगों को ले आए जिनके टैक्स के बारे में रिकॉर्ड सही नहीं थे एक प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान ने बिजली की शॉर्टेज नहीं है पाकिस्तान ने पैसे की शॉर्टेज बिजली बनाने के लिए ठीक है पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह वो एक हजार बिलियन टैक्स नहीं है जो हम कलेक्ट नहीं कर पाते और मैं आज आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट फ्यू एक आध के अलावा कोई रीजनेबल टैक्स प्रोग्राम ना वो दे दिया है ना ना वो दे सकते हैं क्योंकि उनके पास वो रेंट सीकर मौजूद बिल्कु है बिल्कुल सही वो उनकी पार्टी में बैठे

तो आप तो ये तो ये जो आपने बात बात रेंट की रेंट सिकिंग की वो ये जो बात है तो वो जो बात कर रहे हैं देखिए उन, उनकी डायग्नोस्टिक ऊपर से आई है मगर तो उन जो मैं जहाँ पे आके मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ उसका इलाज वो नहीं है जो जो वो कह रहे हैं मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा और कहा था हम बहुत दफ़ा बात करते हैं बहुत दफ़ा बात करते हैं बार बार एक दोस्त मेरा कोई ताल्लुक नहीं है एन का कि आपने एक एन आर लाया और एन खत्म कर एन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एन खत्म कर दें मुझे ये समझ नहीं आता कि एक फाइनेंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट में मौजूद है जिसमें लिखा है कोई बंदा बाहर से पैसे लाए खत्म <laughs> और उससे सवाल <laughs> नहीं, नहीं तो ये नहीं क्या नहीं। ये चोरी जो है अगर सो कॉल वो चोरी है अगर मेरे पास बाहर से पैसे आ रहे हैं तो अगर मैं उस सोर्स नहीं बता सकू उसका और उसको आप तमाम कानून से वर्रा करार दे रहे हैं तो क्या ये एनआर ओ नहीं है का तो, तो, ये ये क्यों नहीं खत्म होता और इस एनआरओ के पीछे बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां बड़ी बड़ी शख्सियतें छिपी हुई हैं और मैं आज आपको एक बता दूं एक बात जब आप ये केसेस को लाएंगे जब इन केसेस को आप कंसोलिडेट करेंगे तो अगर कभी कोई बंदा पकड़ा गया इस मुल्क के अंदर और किसी बंदे को कोई सर सजा हुई तो सिर्फ टैक्स लॉ में होगी आप याद रखिएगा इस पूरी बात को कि दुनिया में कभी कोई क्रिमिनल पॉलिटिकल क्राइम में नहीं पकड़ा गया है अगर उसको सजा हुई है वो टैक्स के कानून में हुई है टैक्स एक ऐसा कानून है जो निकलने का रास्ता नहीं देता मगर हम वो वो लोग हैं जिन्होंने उसमें भी आज खिड़कियां बना ली हैं कि कल को जब मुझे निकलना पड़े तो मैं निकल जाऊं तो इस कॉम को यह याद रखना चाहिए कि इसने जो जो खिड़कियां इन लोगों को दे दी है निकलने की तो वो रस, वो बंद होने पड़ेगी जो बात वर्ल्ड बैंक कह रही है ये नई बातें नहीं कर रहा है अच्छा कमिंग नहीं। बैक टू टेक्नोलॉजी इसमें आप देखें बार बार आपसे वो बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की ठीक है मेरा ये व्यू है कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप उसको मेटेरियलाइज नहीं कर सके मैं इसको आपको एक्सप्लेन इस कर देता हूं आपने एक बार बार एक बार एक बार बात सुनी होगी आपने देखा होगा कि बैंकों ने कहा कि टैक्स के हर आदमी का जो अकाउंट है वो एनआईसी है ठीक है ये एक स्टेज था इसको एक स्टेज आगे जाना था इसको स्टेज था वो एनआईसी एनटीएन बनना था वो एन आई सी एनटीएन बनना था नहीं बना। ये प्लान में था वो नहीं बना इसलिए नहीं बना कि हमारा बैंकिंग सिस्टम और टेक्सटेशन सिस्टम लाइन अप नहीं है आज आप अमेरिका में जाएं और क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करें जब आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करेंगे एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा तो अगले दो महीने बाद नोटिस आ जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड पर ये खर्चा किया था तो आपका टैक्स का रिटर्न कहां है आप, आप आप तो तो अमेरिका में जानते ना इकोनॉमी को वो इंटेग्रेज सिस्टम था हमारा भी हो सकता है

ये सब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत ही अच्छा आपसे इनपुट आया है इस रिपोर्ट पर इनशाला इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे नाजिन ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का था उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आई है उस पर हमने आज बात की कि सिर्फ 8.6 पॉइंट सिक्स परसेंट पर हम आ गए हैं टैक्स टू तो जी डी पी रेस्यू और उसके जिन छः पॉइंट्स उन्होंने वजाय बताए रीजनस उस पर हमने तफसीली डिस्कशन की जैदी साहब से जैदी साहब के बातों का जो ख़ुलासा है वो यही है कि यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने अपने आप को इतना इंट्रेंच कर लिया है जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उसके अंदर वो थे ही जो एक पार्टी नई आ रही थी और जो कह रही थी कि हम चेंजेस लाएंगे उनमें भी वो घुस गए हैं और इस तरह से वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि सवाए जो एक बहुत ही नैरो टैक्स बेस है जो सैलरीड क्लास है या जो फिजिकली दिखने में इंडस्ट्रीज नज़र आती हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उसके अलावा कोई और टैक्स लेने की इजाज़त ही नहीं दे रहे और जैदी साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि जो आइंदा भी इस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी कि कोई पार्टी अनपॉपुलर रिजल्ट बेजर नहीं लेगी इन टैक्स एविडेंस के खिलाफ ना कोई एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएगा ना ट्रांसपोर्टर पर लगाए, लगाएगा ना प्रोफेशनल पर लगाएगा ना होलसेलर पर लगाएगा ना रिटेलर पर लगाएगा क्योंकि वो अनपॉपुलर होगा उनका टैक्स बेस को वोट बैंक को हर्ट करेगा ऐसे में आम आदमी का क्या होगा आज भी जो आप लोगों की हालत है वो वैसी चलती रहेगी क्योंकि इसमें कोई तब्दीली के रास्ते नजर नहीं आ रहे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही है जिसको इन वेस्टेड इंटरेस्ट का परवाह ना हो और खुल के वो बात कहे अवाम के इंटरेस्ट में अट्ठारह करोड़ लोगों के इंटरेस्ट में अब जैदी साहब जैसे एक दो चार जो हाईली इंटीग्रेटेड हाई इंटीग्रिटी के लोग हैं आके ऑनेस्ट बातें कर देते हैं इससे तो तब्दीली नहीं होगी इनकी तो कोई पार्टी अपनी है नहीं बात करते रहते बेचारे बात यही है कि आप कोई ऐसी पार्टी आए जिसको रूलिंग से कोई मतलब नहीं हो जो आवाम के लिए सिर्फ काम करे जीते तो जीते हारे तो हारे और एक रिवोल्यूशन लेकर आए ये सारे लूप होल्स सदी साहब ने भी एक्सप्लेन किया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कह रही है बहुत आसानी से ये सब आ, फिल हो सकते हैं अगर एन आई को एन बना दिया जाए बैंक के डाटा को और नादरा के डाटा को सबको अगर एकजा कर दिया जाए जैसा जदई साहब ने बताया कि अगर आप बाहर क्रेडिट कार्ड पर खर्च करें तो आप पकड़े जाते हैं अगर ऐसा निज़ाम किया जाए तो तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाके ये जो एक हज़ार बिलियन का गैप है हमारा उसको पूरा किया जा सकता है जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर स्टेट बैंक को 64 बिलियन नोट सत्ताईस दिनों में जुलाई में छापने की जरूरत नहीं होगी और उसके वजह से इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा आ, इसी पे स्टेट बैंक का भी जिक्र आता है कि अभी मैंने जुमे को स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से डायरेक्ट सवाल किया कि आपको क्या ख्याल है कि ये जो नोट आप छाप रहे हैं चौंसठ बिलियन सत्ताईस दिन में इसका क्या इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट है तो उन्होंने वही बातें की जो पहले के तमाम गवर्नर्स करते रहे कि जी हाँ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है ज्यादा नहीं है मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर शाहिद कारदार ने क्यों कहा था कि इन्फ्लेशन का और रुपये का बहुत गहरा ताल्लुक है मेरी अपनी स्टडीज हैं कि अस्सी फीसद ताल्लुक है जितनी नोट आप छापते हैं एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर मार्केट में आती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है अगर ये हज़ार बिलियन का टैक्स का गैप जो है वो पूरा कर दिया जाए तो नोट छापने की जरूरत नहीं रहेगी और फिर आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके ऊपर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा साथ साथ इन्फ्लेशन भी नहीं होगा वो भी एक टैक्स है एक तरह का फिर आप लोगों की हालत अच्छी होती चली जाएगी लेकिन इसको करेगा कौन इसके लिए आप लोग खुद कोई पार्टी बनाए कुछ कुछ करें क्योंकि अब तो आप जो है कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टी से कोई उम्मीद ना रखें जैसा जैदी साहब ने साफ कहा जिसको हुकूमत करने का और कुछ कमाने का शौक़ है वो कभी आप लोगों के लिए काम नहीं करेगा वो अपने मफाद में काम करते रहेंगे और पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इस सिलसिले में नाजिन इसी के साथ अब प्रोग्राम खत्म करूंगा। फीडबैक के लिए हमारे एड्रेस नोट कर लें फीडबैक एड ब्रज प्लस डॉट पी के हमारे शोज़ अब माशा यूट्यूब पर भी आना शुरू हो गए हैं उस, उसको भी आप ये रिपीट में आप देख सकते हैं नाजिन खुदा हाफिज़ This program was brought to you by WorldCore Wireless Portland. Future in your hand. WorldCore, an Oman Tel company.